ਬਾਹਰਨੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਇਆ ਅਲਰਟ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਉੱਥੇ ਕਾਂ ਕਾਂ ਘੁਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਦੋ ਡੇਢ ਵਜੇ ਅਤੇ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਪਾਉਂਦੇ ਲਹਿਰ ਲੂਟ ਮਾਰੀ ਦੀ ਬਦਾ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਡੇਰਾ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿਓ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿਓ जो बोला था यार उसने वो सच निकला सर। सब्सक्राइब कीजिए और देखिए हर हफ्ते एक हिला देने वाला हॉरर शो। बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए। ਡੇਰਾ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾ ਦਾਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ, ਬੜੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਵਗੈਰਾ ਰੱਖੀਆਂ ਸਨ ਚਾਰਾ ਚੂਰਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬਾਈ ਬਾਹਰਨੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਇਆ ਅਲਰਟ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਉੱਥੇ ਕਾਂ ਕਾਂ ਘੁਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਦੋ ਡੇਢ ਵਜੇ ਅਤੇ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਪਾਉਂਦੇ ਲਹਿਰ ਲੂਟ ਮਾਰੀ ਦੀ ਬਦਾ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਡੇਰਾ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿਓ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ ਬਾਈ। ਇੱਕ ਦੋ ਡੇਢ ਵਜੇ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਬਾਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਬਹੁਤ ਖੌਫਨਾਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ ਵਾਂ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਕੀ ਬੰਦਾ ਹੈ। अस्सलाम वालेकुम खवातीन हज़रात, मैं हूँ उसद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम वो क्या होगा। मेरे साथ हैं शबाज़ भाई, अस्सलाम वालेकुम, और कैमरा मैन मोहसिन भाई। जैसे कि आपने जो अभी कैमरे के ऊपर भाई आए थे फैसल भाई, उनके ज़बानी आपने सुना कि वो बता रहे थे कि इस जगह पर ये कुछ कमरे मौजूद हैं जो कि काफ़ी सालों से बंद हैं, और इन सालों में जो बंद अरसा इन्होंने गुजारा है इन कमरों ने, तो इसके बाद जब यहाँ पर दोबारा रिहाइश की गई, कहते हैं कि इस जगह से आवाज़ें सुनाई देती हैं, ना कि वो किसी इंसान की हैं, ना औरत की हैं, ना मर्द की हैं, और जैसे ही दो तीन का टाइम होता है ऊपर काले कलर के कौवे नज़र आते हैं, जैसे कि स्याह रंग के कौवे जो कि USA ऑस्ट्रेलिया वगैरह में पाए जाते हैं, जो कि पाकिस्तान और इंडिया में जो कौवे होते हैं वो तकरीबन शेडो देते हैं हल्का सा ब्लैक कलर का, तो दो कलर्स होते हैं, लेकिन इस जगह पर वो कहते हैं कि रात के वक्त 2 से 3 बजे ब्लैक कलर के कौवे नज़र आते हैं और इनकी तादाद काफ़ी ज़्यादा होती है और आवाज़ें बेशुमार होती हैं, और खौफ का आलम यह है कि यहाँ पर कोई भी रहता नहीं है। और दिन के वक्त शबाज़ भाई यहाँ पे आए थे, इनसे जानते हैं कि इन्होंने यहाँ पर क्या देखा। मैंने यहाँ पे ये देखा है कि उस तरफ जो कमरे हैं ना, इसके अंदर काफ़ी मामलात हैं, जैसे कि भाई ने बोला है अभी आवाज़ें सुनाई देती हैं 1 बजे के बाद, नीचे से कमरों में आवाज़ें आती हैं कि जाओ जगह खाली कर दो, ऊपर से ये लाइट अब मुझे दे के गए हैं, मैंने खुद लिया उनसे कि मुझे दे दें आप, कौन सा ऐसा परिंदा है जो उड़ के आवाज़ निकालता है और कमरों में से आवाज़ें आती हैं कि ये जगह खाली कर दो। दिन के मामला ये थे कि अंदर काफ़ी खौफ था, दरवाज़े हिले हैं, बाकायदा मुझे महसूस हुआ कि अंदर कोई ऐसी चीज़ है जो बर्दाश्त इंसान की मौजूदगी नहीं कर रही, वो कहना चाहती है कि यहाँ से चले जाओ, ये जगह खाली कर दो। मामला तो काफ़ी ख़राब हैं, जैसे कि वो दरवाज़ा हिला था, आपने वीडियो में देखा था, मैंने आपको दिखाया दरवाज़ा हिला और दूसरे कमरे से आवाज़ आई कि जगह खाली कर दो। मैंने भी ये चीज़ नोट की थी कि वाकई ये भाई जो कह रहा है ना ये सच है। अब मज़ीद आगे चल के देखते हैं कि मैं सिर्फ 1 या 2 कमरों में गया हूँ, काफ़ी कमरे हैं और सब में ये मसला आ रहा है कि चीज़ें वहाँ पर रहती हैं और काफ़ी अरसे से रह रही हैं, ये इनके भाई के बाप दादों की जगह थी, ये छोड़ के जा नहीं सकते। अब इन्होंने हमें यहाँ पे बुलाया और बताया कि कमरों के अंदर से आवाज़ें आती हैं रात के वक्त, अभी तकरीबन 12 बजने वाले हैं, लाइट मैंने ले ली है, कमरे से आवाज़ें रात के वक्त भी आती हैं और आसमान पे जो परिंदे उड़ते हैं काले कौवे हैं उनकी आवाज़ें आती हैं, तो चलते हैं आगे चल के देखते हैं। इस तरफ भी शबाज़ भाई कुछ कमरे हैं, ये भी है, 2 कमरे ये भी हैं, ये इस तरफ जो कमरे हैं इनका क्या सीन है, चलो इधर इधर, ये कुछ कमरे हैं ये बंद हुए हैं, ये ओपन है, काफी अरसे से बंद हुए हैं। अच्छा, इनके अंदर तो झाड़ियां हैं यार, वैसे तो मुझे यहाँ पे भी महसूस हुआ था कि कुछ चीज़ यहाँ पे भी है क्योंकि इनके छते नहीं है। लाइट आगे दे जरा, देखो जरा लाइट ला के ना आगे, इसकी तो हालत ही बड़ी ख़राब हुई पड़ी है। आप देखें कि ये इतना भी पुराना नहीं लग रहा,
ये वायर्स, इलेक्ट्रिसिटी की सारी मतलब यहाँ पे इंतज़ाम किया गया था। और स्ट्रक्चर इतना पुराना नहीं लग रहा, दीवारें भी इतनी पुरानी नहीं है, लेकिन हालत ऐसी हो चुकी है जैसे कि सदियों पुरानी जगह है। वो मसला ये है कि यहाँ पर आता ही कोई नहीं है ना, खौफ का आलम है। इस वजह से ये जगह ऐसा आलम पेश कर रही है यहाँ पर। नीचे भी देख कर यार कोई सांप वगैरह ना हो जाए। चलो साथ बाहर निकलो। अच्छा, काफ़ी ज़्यादा कमरे हैं यहाँ पर, अगर बिज़नेस किया जाए तो बिज़नेस भी काफ़ी अच्छा है इनका, चल सकता है जी। ये दरवाज़ा नहीं खुलेगा, नहीं खुलेगा, नहीं। नहीं, तकरीबन घर ये भी सेम वही है, झाड़ियाँ की वजह से ये बंद है। अच्छा, ये कुछ कमरे हैं, इनके अंदर इनका सामान पड़ा है, इनके बकोर। इसमें भी इनका कुछ सामान है और इसलिए इन कमरों को ताला लगाया गया है। ये आप देखें कि भी सालों से इस्तेमाल नहीं हुई और जंग खा चुकी है। जितनी चीज़ें यहाँ पे पड़ी हैं ये सारी इस टाइम नकारा हो चुकी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अंदर आना। ओए, हाँ हाँ, इधर से आवाज़ आई है सर। किधर से? इस कमरे से जहाँ पे मेरी लाइट है। वो देखो निशान किस तरह के बनाए हुए हैं, स्ट्रक्चर चेक करो। अभी आइए यार, इतनी खौफनाक आवाज़। ओए, हाँ ये देखो, इनके मुताबिक यहाँ पे कोई बच्चा नहीं रहता, लेकिन किसी बच्चे के हाथ के निशान है। अच्छा, ये इनका किचन टाइप था जो, अब इसकी हालत देख लें। ये सालों पुराना है, ये आप ऊपर देख सकते हैं कि यार वो एक क्या मुस्लिम, ये इधर भी निशान है। अच्छा, ये है क्यों है, ये पीछे से इस कमरे से आवाज़ आई है। हाँ, इस कमरे के अंदर से आवाज आई। उधर आवाज आई, बाद में अंदर आओ। इस कमरे में तो लोहे की ऐसी कोई चीज नहीं है जिसकी आवाज आई हो। मोहसिन, इधर से आई आवाज। ये देखो ना, ये क्या बना हुआ, कुछ समझ में नहीं आ रही है क्या बना हुआ। यार ये क्या चीज़ है यार, मुझे ऐसे लग रहा जैसे कोई ना काले जादू का दायरा बना होता है। बड़ा अजीब सा है, लगने में ऐसा लग रहा है जैसे बॉक्सेस बने और अंदर बाहर से दिखाना। क्या है मशीन? कोई भी नहीं है, ये इस्तेमाल ही नहीं हुआ। ये भी देखो, उसको जंग पड़ा हुआ, जाले लगे हुए। इधर 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 यार, ये देखो हिलाया दरवाजा, लगता है अटैक था मेरे ऊपर। तेरे लगना था यार, तू निकल आया इधर। कोई
कोई भी नहीं है यार यहाँ पे ना कोई। अच्छा ये असद ये दिखाओ, शक्लें बनी हुई हैं लेकिन साफ वाजिया नहीं हो रही। ओहो ये तो मैंने नोट नहीं किया वैसे। देखो शक्लें बनी हुई हैं यहाँ पर और जीबो गरीब शक्लें हैं जैसे कोई इधर भी है। इस साइड में भी है दरवाजे के पीछे। ये देखो असद आपके राइट साइड पे कोई उंगलियों के निशान। गाइस समथिंग रॉन्ग। वो देखो उधर बड़ी अजीब सी शक्ल है शहबाज भाई। हाँ ये देखो इसी के सामने खड़ा हुआ। ये देखो ये शक्ल बड़ी अजीब सी है ना। अच्छा मैं आपको एक बात बताता चलूँ, जो हमारी फील्ड के अंदर होता है मोस्टली चीज़ें हमें डराती हैं कि हम ये जगह छोड़ के चले जाएं। कोई आवाज़ सुनाई दी? आई शहबाज आवाज़? आई। लाइट आगे देना मुझे ध्यान से। बिस्मिल्लाह फिर आई आवाज। आवाज आई सारी आवाजें। शहबाज भाई कोई आवाज़ आ रही है बड़ी अजीब सी, समझ से बाहर है कोई आवाज़ है। गाइस कुछ आवाज़ है लेकिन समझ में नहीं लग रही कि क्या है। आवाज़ आ रही है जी, आवाज़ आ रही है लेकिन समझ में नहीं लग रही कि क्या हो सकती है जी। जगह जगह पर हाथों के निशान हैं बच्चों के, लेकिन कहने के मुताबिक जगह जो है सालों से बंद है। उसका सबूत ये है कि ये जाले आप देखें, क्योंकि ये चूल्हा इस्तेमाल ही नहीं हुआ। ये देखो क्या क्या कुछ बना हुआ है यार यहाँ पे, अजीबो गरीब शक्लें। ऐसे लग रहा है जैसे आग लगी है यहाँ पर। ओए ओ दरवाजा, वो देख ओए ये भी हिल रहा है। ओए सदियों से खड़ी मशीन अपने आप चल रही है, समझ में नहीं आई ये बात। क्या क्या कुछ बना हुआ। तेरी आवाज किसकी? वहां से आई है यार। कौन है? मोहसिन आगे नहीं जाओ। एक मिनट मोहसिन आगे नहीं जाओ। एक मिनट ये कोई खौफनाक शक्ल बनी है पूरे घर में और ये ऐसे लग रहा है जैसे हम ही देख रहा है। ये शहबाज हाँ हिला, ये देखो ना क्योंकि शक्ल बनी हुई यार। ये जितने भी ये चेहरे बने हुए ना खौफनाक, ये सिर्फ ये जो काला जादू जानता है ना ये वो ही कर सकता है जी भाई। ये वल्ला आलम अब ये इंसानों की है या कोई चीज़ों की ये इन्होंने बनाई हुई है।
घर की हालत बहुत कुछ बता रही है यार। अजीबोगरीब स्ट्रक्चर है। अभी यही दरवाज़ा हिला यार, जैसे कि मैंने दिन की वीडियो में देखा था कि यही दरवाज़ा हिला था, अभी यही हिल रहा है। हो सकता है कि इसी कमरे में ज़्यादा मामला तो हो सकता। पर अंदर नहीं जा सकते मुझे लगता। शुभाल भाई आपके पीछे। पर अंदर नहीं जा सकते मुझे लगता। शुभाल भाई आपके पीछे। पर अंदर नहीं जा सकते मुझे लगता। शुभाल भाई आपके पीछे। ओए ओए वो देख, वो देख क्या। ओ अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये हालात हैं यार यहाँ के। अपने आप आग कैसे लगे। अभी तो इसी जगह से होकर गए हैं यार। देखिए हमें पता है आप यहाँ पे रहते हैं, क्या कैमरे के सामने आ सकते हैं। सामने आ सकते हैं। वही वही गाइस, अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हो रहे हैं। आवाज़ें जिबुगरीब आ रही हैं। चूल्हे को अपने आप आग लग गई है यार। बंद हो रही। फिर ये आवाज़ मुसीन। बड़ी अजीब सी आवाज़ आती है एकदम से। आवाज को तो ध्यान मारो किधर से आ रही है। पूरे घर में शक्लें बनी हुई हैं, जीबो गरीब शक्लें हैं पूरे घर में, एक जगह पे नहीं। और ये छत कभी भी नीचे आ सकती है। छत के ऊपर छत बनाई गई है यार, और कभी भी नीचे आ जाएगी। हाँ। क्या है ये देखे ना, ये क्या बना हुआ। खून हो, खून हो, और दरवाजे के पास आवाज फिर आई है यार। ओए अपनी उस तरफ भी देखो यार मोहसिन। अब मुझे लगता है एक ही कमरे में मामला तो नहीं है यार, इतनी जगह पे ऐसा भी। अल्लाह अकबर, आग नहीं बुझ रही। गुड़िया बनी हुई है, अजीबो गरीब चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। ऐसे ऐसे मैंने स्ट्रक्चर नहीं आज तक देखे। मोहसिन तेरे पीछे आग, पीछे देख। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। क्या ये वो देखो, वो देखो। कौन उधर, कौन है। क्या हो रहा है यार। ये जगह खतरे से खाली नहीं है यार। तो गाइज अभी इस तरफ भी आग लगी है, जैसे कि आपको पहले दिखाया उस तरफ भी लगी है। तो आग का क्या रीज़न है यहाँ पे। देखें जैसे आग क्या हुआ, उसके
इसके पीछे कोई निशान देखो, ईंट लगी है। पता नहीं, इधर ईंट तो कोई भी नहीं पड़ी। ईंट दरवाजे को लगी है यार। शुभाद ईंट थी क्या था? पता नहीं यार। ओए ओए देखिए, हम आपको तंग नहीं करने आए। ओए वो रे, ये गिरी क्या? आगे हो, आगे आगे गाइस, अभी अभी ये गिरी है, ये अभी अभी गिरी है यहाँ पे, ध्यान से। अच्छा एक और स्ट्रक्चर अजीब सा, कौन सा? ये वाला ज्यादा तो रफ है यार। ओए किसी पे मारा है। ओहो, उधर से कभी आवाज, कभी इस कमरे से। कैमरे उधर रखो, मैंने इधर रखा हुआ। ओहो, उधर से कभी आवाज, कभी इस कमरे से। कैमरे उधर रखो, मैंने इधर रखा हुआ। जहाँ से आग बढ़ रही वहां से आवाज आ रही है भाई। आवाज ना औरत की है ना आदमी की है। कुत्ते नहीं देखे कैसे शुरू हो गए हैं? भाई बंद हो जा, आग बुझ ही नहीं रही आग। ओए ये क्या हुआ, रिकॉर्ड हुआ? हाँ क्या हुआ, एकदम से कोई चीज निकली है। मोहसिन हमें कमरे के अंदर जाना है जी, जरा ऐसा कोशिश करो अंदर जाने की। ओए अंदर से आवाज आ रही है भाई। मोहसिन अंदर जाए जरा, मैं भी आता हूँ साथ। ध्यान से, ये वायरिंग उतरी पड़ी है इधर। है कुछ अंदर? आवाज यार किसकी है? शुभाद भाई इधर ही कैमरा रखना, मैं अंदर देख रहा हूँ। ये लाइट दो, लाइट दो। कौन है वहां पे? अंडे चिल के पड़े हैं। काफी हैरान कौन है, ठीक है ना? क्या है मोहसिन भाई, समझ आ रहा? मेरा ख्याल है उसके साथ कोई बाल भी पड़े हैं, उसकी लाइट ज़्यादा तेज़ है। मोहसिन अब ये अंदर भी वो स्ट्रक्चर असद। एक मिनट बाद में इधर आओ। हाँ ये देखो उंगलियों के निशान, अगर दरवाज़ा बंद है तो उंगलियों के निशान किसके आएंगे? मैं अंदर आऊँ? अंदर जा। यार अंदर मेट से नहीं आया जाए। स्ट्रक्चर रिकॉर्ड करें, आवाज़ें पर गौर ना करो यार। मोहसिन अंदर आने का रास्ता नहीं है, लेकिन ये स्ट्रक्चर कैसे? अंदर आने का रास्ता नहीं तो फिर कैसी
बाद में वो रिकॉर्ड करें, मैं इधर करता हूँ। कौन है वहाँ पे? दूर ना जाए ना, रहना इधर दरवाजे के पास ही। जाम हो गए हैं दरवाजे, पता नहीं कितने साल हो गए हैं कि इनकी हालत ही ऐसी हो गई है, हालत बिल्कुल बिगड़ गई हुई है। ध्यान से ये रास्ता अंदर जाने का देखें, और हम क्या क्या रिस्क लेते हैं आप लोगों के लिए। इधर 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 सुनिए, मोहसिन भाई जैसे कोई किसी को चुप नहीं कराता वैसी आवाज आ रही है। ये ये आवाज, यार ये देखो ये क्या, कौन हो तुम? इधर से आवाजें आई जा रही हैं यार। भाई जी ये कैसे, मतलब बहुत ज़्यादा यार हो गई, अब एक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो गई यार, हमें डर लगने लग गया। आप ओए ये तुम सब कब कहाँ से आ गए, ये कवे कहाँ से आ गए थे? ओए यार जो बोला था यार उसने वो सच निकला असद। यार ऊपर काले दरवाजा लगातार कोई बजा रहा है, नजर आया यार ये देखो ऊपर कवे कितने ज्यादा उड़ रहे हैं, ये देखो अल्लाह अकबर ये कवे आप देखें यार। क्या कहते हैं यार, ये क्या चक्कर है पता नहीं यार, इसमें भी नहीं नजर आ रहा है। बाद में रिकॉर्ड करना है ये देखो, मसला खराब ही है, है? थोड़ी देर रुकते हैं, देखते हैं दो मिनट और। इन लोगों की हिम्मत थी यार जो अभी तक यहाँ पे बैठे हुए हैं। यार पहली लोकेशन है कि आते साथ ही शुरू हो गया, इस्तकबाल शुरू कर दिया उन्होंने। आज तक हुआ ही नहीं यार हमारे साथ ऐसे, उन्होंने पूरा इस्तकबाल आज से साथ ही किया। तेरी मोहसिन ये क्या था यार, तीन तीन जगह से एकदम से हमला हुआ। तीन देखिए हम चले जाते हैं यहाँ पे गाइस, एक इस जगह से, एक उस जगह से, और तीसरा ओए किसे कहते हैं कि आवाज आ रही है। अब भाई बस से बाहर मुझे लग रही है चीज जो ना, एक चीज की आवाज भी एकदम गाइस कुछ भी नहीं यार, रोशनी से भी नजर क्या, तोबा 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 हाँ रुको जरा,
पता नहीं क्या है, पर हम यहाँ पर रुक के देखेंगे ज़रूर। बाद ये लाइट पकड़ना। अंदर चले किसी कमरे में, बाहर के हालात तुम देख चुके हैं। शुभाद भाई इस कमरे के अंदर चलो, पहले आप जाओ फिर मैं आपके पीछे आता हूँ। देखिए हम आपको तंग नहीं करने आए, मिलने आए हैं आपसे। क्या सामने आ सकते हैं कैमरे के? बाद में ध्यान से हैं। कोई है? ओए यार ये बढ़िया चीज से आ गया। ओए शिवाद पीछे 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 चले जाओ। आवाज आई भाई, आवाज। ओए क्या हो रहा है? अल्लाह छत गिर गई ऊपर से, छत के नीचे ना रही। क्या है अंदर? ओए वही यार जो आवाजें आ रही हमें सुनाई दे रही थी। देखें आप जो भी हैं सामने आ सकते हैं। ओए शुभाद भाई ध्यान से। उधर रहना, मैं तो देख रहा हूँ। ऐसे लग रहा है यहाँ पे कोई है। कौन है इधर? ये हिल रही है यार। यार उधर से वो भी हिल रहा है भाई, क्या कर रहे हो? कोई है इस कमरे में यार? ये आवाज, ये भी कुछ गिरा है यहाँ पे। चल शुभाद। वो की होना क्या था? तू काली सी कुछ चीज थी यार, ये तेरे पास खड़ी थी था। मेरे पीछे खड़ी थी। इधर इधर इधर। अल्लाह अकबर। आवाज सुन रहे? यहाँ पे थी, इधर ही थी। किसी कुछ थी, बड़ी खौफनाक शक्ल थी यार उसकी। अल्लाह अल्लाह अकबर। अब देखिए हम चले जाते हैं यहाँ से और आप भी चले जाएं। ये ये जगह खाली कर दें। मेरी बात का जवाब मिल रहा है यार। कैमरा उधर ही रख। नहीं बच के यार, आगे से आवाज आ रही है। वो एंड वाले कमरे में चलो। पत्थरों की बरसात हो रही यार। वो देख या अल्लाह। पूरे घर को जीबो गरीब शक्लों से बड़ा हुआ है इन्होंने। इस कमरे में देखो, चलो यहाँ से। अजीब आवाज आती है, अजीब सी। अजीब आवाज आती है, अजीब सी।
बिल्कुल जी। उसे फिर आई आवाज़? हाँ, पीछे से आवाज़ आई है, पर ये अजीब सी आती है, जैसे कोई जानवर नुमा आवाज़ हो। ये पर ये अजीब सी आती है, जैसे कोई जानवर नुमा आवाज़ हो। ये इसके अंदर जाना चाहिए हमें। सूरत हाल गाय साहब देख लो। मोहसिन हमें अंदर कोई चीज़ है, अंदर कोई चीज़ खड़ी है अपने बच्चों के साथ। निकलो निकलो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। यार वो कमरे में कोई चीज़ थी, अजीब सी चीज़ थी, बच्चों के साथ थी, देखा मैंने उसे। मेरे ख्याल से हमें बस सब्सक्राइब कीजिए और देखिए हर हफ्ते एक हिला देने वाला हॉरर शो। बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए।